सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़ सो आप आगे कैसे बढ़ेंगे किस तरह से करके क्या क्या प्रोसेस करना होता है अप्प्लीकेीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउजर गूगल डॉट कॉम ओपन करनी होगी देन वहाँ पर टाइप करके आपको सर्च करनी होगी यहाँ पर आपको आई ए ऐसे पर टाइप करनी एंड देन सर्च करनी होगी सो so, यहाँ पर स्क्रोल डाउन ईयर एंड फर्स्ट ऑल पे क्लिक कर देनी होगी आप खुद देखेंगे आपका अपलीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया ओके सो यहाँ पर स्क्रोल डाउन ईयर ताकि आप अपलीकेशन फॉर्म देख सकें यहाँ पर आपको नीचे आना थोड़ा सा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना होगा तो जब भी आप ये करते हैं तो आप न्यू टैब में ओपन होंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन हेयर करना होगा और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देना होगा सिंपली आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको फोर्थ स्टेप कम्प्लीट करनी होती है फर्स्ट स्टेप में आपको पेमेंट करनी होगी स्टेप में आपको पेमेंट स्टेटस जानना होगा कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया किया है तो कितना किया तो वो स्टेटस यहाँ पर देख पाते हैं ठीक है जब तक शो नहीं करेगा तब तक आगे थर्ड स्टेप पर नहीं जा पाएंगे आप थर्ड स्टेप पे आने के बाद आपको वहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी होती है जब आप फीस पेमेंट कम्प्लीट होता है तो अप्लीकेशन फॉर्म पे कर पाएंगे जो भी फील रहेगा फिल कर सकते हैं फिर फर्स्ट स्टेप पर आएंगे जहाँ पर आपको प्रिंट निकालना होता है बस ये चार कंप्लीट करने की प्रोसेस तो आपका कंप्लीट हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में आपको क्लिक करना है सिंपली आपको यहाँ पर हॉल टिकट नंबर बताना है एंटर कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ एंटर मोबाइल नंबर एंटर द अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी सब यहाँ पर डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पर आपको इनिशियल पेमेंट पे क्लिक कर देने देन आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना ही करना है ठीक है समझ गया आपको क्या करें फिर आप थर्ड सेकंड स्टेप पर आएंगे जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन हॉल टिकट का नंबर देना होता है मोबाइल नंबर दे करके आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं देन आप थर्ड स्टेप पर आएंगे तो थर्ड स्टेप पर आने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट रेफरेंस आई और क्वालिफिकेशन हॉल टिकट नंबर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगेगा फिर आप फील कर सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म को फिर ये फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ से सारी डिटेल्स डाल करके अपलिकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बस तो अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा ओके okay? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चेक कीजिएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू